द बंगाल स्कूल एंड कल्चरल नेशनलिज्म। बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में, दो ये मेंशन नहीं है बट स्टिल हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट हैपेंड वाज कि ब्रिटिशर्स के आने के पहले जो इंडियन आर्ट की जो थीम्स थी इट वाज डिफरेंट। इंडियन आर्ट में जितने भी हम थीम्स देखते हैं वो बेसिकली हिस्टोरिकल थीम्स या माइथोलॉजिकल या हिस्टोरिकल टेक्स्ट के ऊपर, या फिर जो किंग के कोटेशंस या नोबल्स जो कि टेक्स्ट लिखते थे, जैसे कवि प्रिया, रसिक प्रिया जो हमने देखी, उसके ऊपर बनते थे, या फिर स्पेशल सीन्स, ओकेजन्स, कोर्ट सीन्स के ऊपर होती थी, कि किंग की लाइफ के ऊपर ही हम पेंटिंग्स इतनी, यही टॉपिक्स थे जिनके ऊपर हम देखते थे। तो पहले होता ये था ब्रिटिशर्स के पहले कि जितनी भी पेंटिंग्स थी उसको कमीशन करते थे जो किंग्स थे, नोबल्स थे, किंग्स के अंडर काम करने वाले लोग थे, वही उनको कमीशन करते थे पेंटिंग्स को। दैट इज़ वाई द थीम ऑफ द पेंटिंग्स इज अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द पेट्रनाइजर, जो कि पेंटिंग को कमीशन या पेट्रनाइज करता था, उसके थीम के ऊपर जो है हमें पेंटिंग्स देखने को मिलती थी। एंड वे जनरली कोर्ट सीन्स होते थे या फिर यू नो स्पेशल सीन्स, मतलब वो सीन्स जो होते थे स्पेशल ओकेजन्स के होते थे। आफ्टर ब्रिटिशर्स वॉट हैपन वॉज वेन ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया दे सॉ कि कैसे यू नो मिनिएचर पेंटिंग्स ब्यूटिफुल मैन्यूस्क्रिप्ट के ऊपर, मड हाउसेस के ऊपर, टेम्पल्स के ऊपर, म्यूरल्स के फॉर्म में, इसमें मिनिएचर पेंटिंग्स में हमारा रिच कल्चर हेरिटेज, इन सब जरियों के थ्रू, पेंटिंग्स के थ्रू उनको ये देखने को मिला। एंड दे वर चार्म्ड बाय इट, उन्हें ये काफ़ी पसंद आया, यू नो। तो इस वजह से वॉट हैपेंड वॉज द इंग्लिश ऑफिसर्स दैट केम टू इंडिया दे ऑल्सो स्टार्टेड पेट्रनाइजिंग द लोकल आर्टिस्ट। लेकिन देर वॉज वन डिफरेंस। वॉट वॉज द डिफरेंस वॉज ये ब्रिटिशर्स या इंग्लिश ऑफिसर्स जिन थीम्स के ऊपर पेंटिंग्स बनाते थे दैट वॉज डिफरेंट। एंड हाउ वॉज इट डिफरेंट? जो थीम्स इंग्लिश ऑफिसर्स चूज करते थे वो डेली लाइफ के थीम्स थे, यानी कि एक कॉमन मैन की लाइफ, लाइफ ऑफ ए कॉमन मैन, उसको वो लोग डिपिक्ट करना चाह रहे थे पेंटिंग्स के थ्रू, और उन्हीं पेंटिंग्स को कमीशन करते थे। दिस वॉज अ वेरी बिग डिफरेंस कि इसके पहले हमें बहुत ज़्यादा कॉमन मैन की लाइफ के ऊपर पेंटिंग्स नहीं दिखती है। एंड आफ्टर द इंग्लिश ऑफिसर्स केम दे वॉन्टेड कि वो लोग उनके आसपास जो चल रहा है, यू नो नेचुरल सेटिंग में, जैसे कि सपोज कोई विलेज में गए तो कोई है जो कुएं से पानी निकालता है, कोई है जो कैटल को यू नो गाय भैंस चरा रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, ये एकदम नेचुरल सेटिंग के डेली लाइफ के जो सीन्स हैं वो उसको रिकॉर्ड करना चाहते थे, ताकि वो अपने नेटिव्स का, जो इंडिया में नेटिव्स थे उनके बारे में बेटर अंडरस्टैंड कर सके उनको। और ये पेंटिंग्स जो थी वो पेपर के ऊपर ही बनाई जाती थी। और वो आर्टिस्ट जो थे वो कौन थे? वो आर्टिस्ट थे जो कि कोर्ट्स ऑफ मुर्शिदाबाद, लखनऊ या दिल्ली से माइग्रेट होकर इन ऑफिसर्स के अंडर काम करने के लिए आए थे। सो ये हम थोड़ा सा मेड ऑन पेपर बाय लोकल आर्टिस्ट हु माइग्रेटेड फ्रॉम एर्स्टवाइल कोर्ट्स ऑफ मुर्शिदाबाद, लखनऊ एंड दिल्ली। नाउ एक बहुत ही यूनिक फीचर हमें इस स्टाइल ऑफ पेंटिंग में देखने को मिलता है कि जो आर्टिस्ट थे दे अडेप्टेड देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ पेंटिंग एंड दे ऑल्सो हैड टू रिलाई ऑन क्लोज ऑब्जर्वेशन, अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ यूरोपियन आर्ट। सो दिस इज द कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग, द कंपनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ द ट्रेडिशनल आर्ट एंड द यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। ट्रेडिशनल आर्ट हमें पता है, आर्ट हमें पता है कि कैसे मिनिएचर आर्ट्स हुआ करते था। वॉट वॉज द यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग? इट वॉज रियलिज्म। यू नो हम जैसे फोटोग्राफ्स देखते हैं तो यूरोपियन आर्ट जो था वो ऐसे ऐसे थे, मतलब वो उसको इतना रियल पेंट करते थे कि वो लगता था कि एक फोटोग्राफ है। सो दिस वॉज द यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। तो कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग क्या था? ट्रेडिशनल पेंटिंग, ट्रेडिशनल आर्ट, स्टाइल ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट एंड यूरोपियन स्टाइल का मिक्सचर जो था उसे कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग बोलते थे, विच इज़ नॉट ओनली पॉपुलर इन इंडिया बट ऑल्सो इट वॉज वेरी पॉपुलर इन ब्रिटेन। यहाँ पर जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, दिस एग्जाम्पल राइट हियर। ये जो थी ये कंपनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग है। दिस हियर इट वॉज पेंटेड बाय गुलाम अली खान, द नेम इज ग्रुप ऑफ कोर्टिसंस। हम देख सकते हैं कि उनके फेशियल फीचर्स या यू नो बॉडी जो शेप है उसमें थोड़ा सा हमें यूरोपियन रियलिज्म बहुत कुछ दिख रहा है, कैसे उनके बाल पेंट, उनके आईज, नोज फीचर्स,
और कहीं ना कहीं जैसे कि ये जो हुक्का यहाँ पर पड़ा हुआ है या जो उनके कपड़े हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पर हमें हमारे इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट का भी एक टच देखने को थोड़ा सा मिल जाता है। सो दिस वॉज द कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग जो दोनों का मिक्सचर था। अगर आपने जैसे कि पहले हमने राधा बनी ठनी देखी या फिर पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग देखते थे, वो यूरोपियन रियलिज्म या उनमें रियलिज्म का टच नहीं था। उन पेंटिंग्स को आर्टिस्ट जो थे वो स्टाइलिस्टिकली ब्यूटिफाई कर देते थे, उसमें कुछ ऐसे फीचर्स डाल देते थे जो कि एक्चुअल रियल में नहीं थे। जैसे कि हम उनकी राधा बनी ठनी को देखें तो वो हम कह नहीं सकते कि इट वॉज रियल, बट उसको स्टाइल में बनाया गया है जिससे कि वो ब्यूटिफाई हो जाए। सो दिस वॉज द कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग। ओके, दिस पेंटिंग इज करंटली इन द पोजेशन ऑफ सैन डिएगो म्यूजियम ऑफ आर्ट, कैलिफोर्निया, यूएसए, एंड इट वॉज पेंटेड बाय गुलाम अली खान। द नेम इज ग्रुप ऑफ कोर्टिसेस। राजा रवि वर्मा। ओके, व्हाट हैपेंड वाज राजा रवि वर्मा की जो स्टाइल ऑफ पेंटिंग थी इट वाज वेरी डिफरेंट। ओके, ये भी अपने आप में एक स्टाइल ऑफ पेंटिंग हम कह सकते हैं, उसी तरीके से डेवलप हुई थी। एक्चुअली इसमें ये था कि राजा रवि वर्मा वाज अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट। ओके, एंड ही वाज फ्रॉम दी त्रावणकोर कोर्ट इन केरला। ठीक है, और ये उनकी राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग्स हैं इस स्टाइल ऑफ पेंटिंग की सबसे ज़्यादा फेमस एंड कॉमन है। और ये पेंटिंग स्टाइल कहीं ना कहीं डिक्लाइन दो कारणों की वजह से हो गई। एक कारण ये था कि जब इंडियंस के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ी और इसके बाद ऐसा देखने लगे इन स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स को कि ये बहुत ज़्यादा वेस्टर्न थी, कि ये तो पूरी के पूरी रियलिज्म, यूरोपियन रियलिज्म और बिल्कुल फॉरेन थी। दो, राजा रवि वर्मा जो है वो क्या करते थे कि यूरोपियन रियलिज्म जो था उसको वो लोग इंडियन कोर्ट्स तक लेकर आए, यानी कि रियलिस्टिक पेंटिंग्स को वो लोग, वो राजा रवि वर्मा इंडियन थीम्स के ऊपर बनाते थे, महाभारत, रामायण जैसे एपिक्स के सीन्स के ऊपर, कोर्ट्स के ऊपर। जैसे कि ये हम जो पेंटिंग यहाँ पे देखने को हमें मिल रही है, दिस पेंटिंग राइट हियर, ये पेंटिंग जो है दिस वन, ये हम बोल सकते हैं कि राजा रवि वर्मा कृष्णा एज एनवॉय। तो कृष्णा एज एनवॉय यानी ये जो है महाभारत की ही एक उसका वो है, डिपिक्ट है उसी की सीन का। और ये यूरोपियन रियलिज्म में है पूरी पेंटिंग। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कैसे इस पेंटिंग में कितने कैसे बिल्कुल रियल फीचर्स जो है वो यूज़ किए गए हैं, हाथ, बॉडी, आईज, नोज वगैरह सभी चीज़ें। तो ये एक यूरोपियन रियलिज्म के ऊपर बेस्ड पेंटिंग है, लेकिन ये पेंटिंग जो है वो इंडियन थीम के ऊपर बनी हुई है। लेकिन ये दो कारणों की वजह से डिक्लाइन हो गई। पहला कि इसको लोग जो है बहुत फॉरेन देखने लगे, एंटी नेशनल के जैसे देखने लगे। एक रीज़न ये था कि mid-19th century के बाद कैमरा आ गया। तो कैमरा के आने के बाद हुआ ये कि कैमरा वॉज सीन एज अ बेटर वे ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो ऑफकोर्स फोटोग्राफी ज़्यादा पॉपुलर हो गई और कहीं ना कहीं फिर इस स्टाइल का डिक्लाइन हो गया। और ये लोगों के घरों में एंटर कैसे हुई, लोगों तक, कॉमन लोगों तक कैसे पहुंची, ज़्यादातर कैलेंडर इमेजेस के थ्रू। और नेशनलिज्म का जैसे जैसे राइज हुआ, दिस एकेडमिक स्टाइल एम्ब्रेस्ड बाय राजा रवि वर्मा केम टू बी लुक डाउन अपॉन एज फॉरेन एंड टू वेस्टर्न टू शो इंडियन मिथ्स एंड हिस्ट्री। और इन सभी चीज़ों के बीच, डेवलपमेंट्स के बीच, द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट इमर्ज्ड इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th century, यानी 1910 के बाद से फिर बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग डेवलप हुआ, उसका ओरिजिन हुआ। एंड इट वाज आफ्टर दिस, अमिस्ट दिस, की बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग डेवलप हुआ। तो राजा रवि वर्मा की जो काफ़ी फेमस थी एंड बहुत ब्यूटीफुल हम देख सकते हैं कि ये ऑयल पेंटिंग्स में पेंट करते थे। नादर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनका मीडियम जो था वो ऑयल पेंटिंग का था एज कम्पेयर टू वाटर कलर्स, जो कि बंगाल स्कूल में भी वाटर कलर्स का यूज़ होता था। इसके पहले भी जितनी भी इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट्स थी तब भी वाटर कलर्स का यूज़ होता था, लेकिन राजा रवि वर्मा यूरोपियन रियलिज्म को ऑयल पेंटिंग के मीडियम में ही पेंट करते थे, बट वो इंडियन थीम्स के ऊपर पेंट करते थे। स्टिल कुछ लोगों को लगा कि इट्स नॉट वेरी नेशनल, इट्स काइंड ऑफ एंटी नेशनल, जिस वजह से ये थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया। राजा रवि वर्मा, पेंटेड बाय राजा रवि वर्मा, कृष्णा एज एन बॉय, 1906, NGMA, मतलब नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली में उसकी पोजेशन में ये पेंटिंग है अभी।
अब हम हमारे मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो कि है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। देखिए, हम ये कह सकते हैं कि बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट नाम देना जो स्टाइल ऑफ पेंटिंग है उसको जस्टिफाई नहीं करेगा, बिकॉज़ बंगाल दो वो जगह थी जहाँ पर इस स्टाइल ऑफ पेंटिंग का ओरिजिन हुआ था, बट ये बाकी काफ़ी पार्ट्स में फैला। सो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट कहना इसको बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगा, बट ओके, इसका अब वो नाम पड़ चुका है। वॉट इज़ दिस बेसिकली बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट? हमने इसके पहले कंपनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग पढ़ी, राजा रवि वर्मा की स्टाइल पढ़ी। सो बेसिकली ये सब स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग है कि इंडिया में जो पेंटिंग्स की गई उनका एक पर्टिकुलर स्टाइल था, उनकी एक पर्टिकुलर फीचर्स थी। ओके, तो हम उनको स्टडी कर रहे हैं और उनको फिर स्टडी करके हम ऐसे स्कूल्स ऑफ आर्ट में डाल रहे हैं। तो स्कूल्स ऑफ आर्ट का बेसिकली मतलब है कि स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग, उनको किन स्टाइल्स में पेंट किया गया था। तो अब हम पढ़ेंगे द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। अब ये जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट है, ये कैलकटा में ओरिजिन हुआ था इसका। ओके, द सेंटर ऑफ ब्रिटिश पावर। हम जानते हैं कि सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने बंगाल को ही अपनी कॉलोनी बनाई थी। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ पक्सर को उन्होंने वो लड़े थे 1757 में, एंड तो उसके बाद ही बंगाल को उन्होंने सबसे अपनी पहली कॉलोनी बनाई थी, जिसके बाद से पूरे इंडिया का कॉलोनाइजेशन शुरू हुआ था। एंड इट वॉज अगेन कैलकटा जहाँ पर बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का ओरिजिन हुआ। सो इट्स काइंड ऑफ एन आयरनी ऑल्सो। द टर्म बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट इज नॉट फुली एक्यूरेट। इट इज ट्रू दैट द फर्स्ट मूव टू क्रिएट अ मॉडर्न नेशनल स्कूल हैपेंड इन बंगाल, बट इट वॉज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दिस रीजन अलोन। इट वॉज एन आर्ट मूवमेंट एंड अ स्टाइल ऑफ पेंटिंग दैट ओरिजिनेटेड इन कैलकटा। तो बंगाल स्टाइल ऑफ ये जो पेंटिंग है, स्कूल ऑफ आर्ट था, ये एक मॉडर्न एंड नेशनलिस्ट स्कूल। मतलब ऐसा नहीं है कि जो हमारे इंडिया में पहले के ट्रेडिशनल आर्ट जो था, स्टाइल था, वही चीज़ थी। इट वॉज मॉडर्न। ओके, हम कैसे मॉडर्न था हम उसके फीचर्स पढ़ेंगे। एंड नेशनलिस्ट, जिसका कनेक्ट हमें इंडिया से डायरेक्टली कहीं ना कहीं दिखता है, और इस बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के थ्रू ही हमारे फ्रीडम मूवमेंट में काफ़ी हेल्प मिली। वो काफ़ी पॉपुलराइज हुआ, कॉमन यू नो लोगों तक पहुंचा। एंड इट वॉज स्टार्टेड ओरिजिनेटेड इन कैलकटा, द सेंटर ऑफ ब्रिटिश पावर, बट इट लेटर इन्फ्लुएंस्ड मेनी आर्टिस्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इंक्लूडिंग शांति निकेतन। शांति निकेतन हम जानते हैं इंडिया का फर्स्ट नेशनल आर्ट स्कूल है और आज भी बहुत पॉपुलर है। इट वॉज फाउंडेड बाई रविंद्र नाथ टैगोर, ही वॉज अ पोएट, अ राइटर। तो शांति निकेतन इंडिया का आर्ट स्कूल था, फर्स्ट नेशनल आर्ट स्कूल, क्या? शांति निकेतन। ओके, तो शांति निकेतन तक भी उसने, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट ने उसको भी बहुत इन्फ्लुएंस करा था। एंड इट वॉज एसोसिएटेड विद द नेशनलिस्ट मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, एंड स्पेयर हेडेड बाय अवनींद्र नाथ टैगोर। ओके, एंड ही इन्जॉयड द सपोर्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द कैलकटा स्कूल ऑफ आर्ट, ई बी हेवल। देखिए हुआ क्या था, ई बी हेवल जो थे वो थे तो एक ब्रिटिशर थे, वो भी कॉलोनाइजर्स के साथ ही थे, बट ई बी हेवल को ये चीज़ पसंद नहीं आई थी कि कैसे ब्रिटिशर्स अपना यूरोपियन रियलिज्म, अपनी यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग को इंडियंस के ऊपर इम्पोज कर रहे हैं, जिस वजह से हमारा इंडियन आर्ट जो है, हमारा जो इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग था वो कहीं ना कहीं खो गया। यू नो, ये मिनिएचर्स और ये फोक आर्ट, ये ट्रेडिशनल आर्ट, ये कहीं ना कहीं इस वजह से लॉस्ट हो गया, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने आते से ही अपने यूरोपियन स्टाइल ऑफ आर्ट को इंडियंस के ऊपर इम्पोज करा। सो ई बी हेविल को ये चीज़ पसंद नहीं आई। ओके, अवनींद्रनाथ एंजॉय द सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर एंड प्रिंसिपल ऑफ द कैलकटा स्कूल ऑफ आर्ट, ई बी हेविल। बोथ अवनींद्रनाथ एंड हेविल वर क्रिटिकल ऑफ कॉलोनियल आर्ट स्कूल्स एंड द मैनर इन विच यूरोपियन टेस्ट इन आर्ट वॉज बींग इम्पोज ऑन इंडियंस। तो अवनींद्रनाथ टैगोर तो इंडियन थे, उन्हें तो ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी कि कैसे हमारा इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गया एंड हम यूरोपियन रियलिज्म को परस्यू कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ ई बी हेविल जो कि थे ब्रिटिशर्स, बट उन्हें भी ये चीज़ पसंद नहीं आई थी, बिकॉज ही लाइक द इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग, उन्हें पसंद आया था हमारा इंडियन आर्ट। तो ई बी हेविल का अवनींद्रनाथ टैगोर को बहुत सपोर्ट था। तो आप ये समझिए, ई बी हेविल कौन थे? कैलकटा स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल थे। ओके, एंड ही हेल्प्ड अवनींद्रनाथ टैगोर। दे फर्मली बिलीव्ड इन क्रिएटिंग अ न्यू टाइप ऑफ पेंटिंग दैट वॉज इंडियन, नॉट ओनली इन सब्जेक्ट मैटर बट ऑल्सो इन स्टाइल। तो राजा रवि वर्मा की अगर हम पेंटिंग्स देखें तो सब्जेक्ट मैटर में तो वो इंडियन थी, क्योंकि वो महाभारत या रामायण की थीम्स पे बनती थी, लेकिन उसका स्टाइल बिल्कुल भी इंडियन नहीं था। उसका मीडियम ऑयल पेंटिंग था, ऑयल कलर्स था,
जो कि अगेन नॉट इंडियन, वो स्टाइल यूरोपियन रियलिज्म स्टाइल था जो कि अगेन नॉट इंडियन. तो ई बी हैविल एंड अवनींद्रनाथ टैगोर चाहते थे कि पेंटिंग्स जो है वो इंडियन, नॉट ओनली इन द सेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सिर्फ ऐसा ना हो कि जो सब्जेक्ट मैटर है जिन थीम्स के ऊपर पेंटिंग बन रही है सिर्फ वो इंडियन हो, बट इंडियन स्टाइल के ऊपर भी बने वो. कैसे? फॉर देम मुगल एंड पहाड़ी मिनिएचर्स फॉर एग्जाम्पल वर मोर इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन रादर देन इधर द कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग और अकेडमिक स्टाइल टॉट इन द कॉलोनियल आर्ट स्कूल्स. जो अकेडमिक स्टाइल यानी कि जो रियलिस्टिक, जो रियलिज्म, यूरोपियन रियलिज्म जो कि कॉलोनियल आर्ट स्कूल्स में सिखाया जाता था, या फिर जो कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग थी जिसमें अगेन यूरोपियन रियलिज्म का एक टच था, तो उनके बजाय उनके लिए मुगल एंड पहाड़ी मिनिएचर्स जो थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे. यानी कि इंडियन के ये ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग जो थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे. तो हम आगे अब चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे अवनींद्रनाथ टैगोर एंड ई बी हैविल ने मिलके इस बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट को डेवलप किया और कैसे ये इंडिया के बाकी रीजन्स में फैला एंड कैसे उसके बाद हुआ ये कि वो पॉपुलराइज हुआ और उसने हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत हेल्प किया. क्योंकि लोगों को उससे फीलिंग आई, कनेक्ट की फीलिंग आई, उन्हें प्राउड हुआ, उन्हें ये पता है, हुआ ये था कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद खुद इंडियंस को लगने लगा था कि हमारा इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है वो तो अच्छा नहीं है. उन्हें ऐसा लगने लगा था, वो अब खुद के स्टाइल ऑफ पेंटिंग को कहीं ना कहीं डाउनकास्ट देखने लगे थे. सो ई बी हैविल एंड अवनींद्रनाथ टैगोर ने इस चीज़ की शुरुआत की और इसके बाद इंडियंस रियलाइज कि हमारा इतना रिच कल्चरल हेरिटेज को छोड़ के हम यूरोपियन रियलिज्म को बढ़ावा दे रहे थे. एंड दैट इज़ हाउ उसने इंडियन नेशनल मूवमेंट में जब लोगों ने समझा कि हमारा जो कल्चर है, जो हेरिटेज है, वो कितना रिच है, कितना यूनिक है, जिसके बाद लोगों के अंदर नेशनलिज्म की एक फीलिंग उठी. अवनींद्रनाथ टैगोर एंड ई बी हैविल. द ईयर 1896 वॉज इम्पोर्टेंट इन द इंडियन हिस्ट्री ऑफ विजुअल आर्ट्स. ई बी हैविल एंड अवनींद्रनाथ टैगोर सॉ अ नीड टू इंडियनाइज आर्ट एजुकेशन इन द कंट्री. दिस बिगैन इन द गवर्नमेंट आर्ट स्कूल कैलकटा, नाउ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता. तो जो कि कॉलोनियल आर्ट स्कूल्स थे जो ब्रिटिशर्स ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस्टेब्लिश किए थे, तो जहाँ पे यूरोपियन रियलिज्म, अकेडमिक स्टाइल ऑफ पेंटिंग या फिर कंपनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग को पढ़ाया एंड सिखाया जाता था, उसके प्रिंसिपल थे ई बी हैविल. ओके, और 1896 में ये स्टार्ट हुआ जब ई बी हैविल एंड अवनींद्रनाथ टैगोर को रियलाइज़ हुआ कि अब हमारे ये जो पेंटिंग है, जो आर्ट एजुकेशन इंडिया में सिखाया और पढ़ाया जा रहा है, उसको इंडियनाइज करने की ज़रूरत है. यानी उसको इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग से कनेक्ट करने की ज़रूरत है. और ये कहाँ स्टार्ट हुआ? गवर्नमेंट आर्ट स्कूल कैलकटा, जहाँ के प्रिंसिपल थे ई बी हैविल. सिमिलर आर्ट स्कूल्स वर इस्टेब्लिश्ड इन लाहौर, बॉम्बे एंड मद्रास, बट देयर प्राइमरी फोकस वॉज ऑन क्राफ्ट लाइक मेटल वर्क, फर्नीचर एंड क्यूरियोज. हाउएवर द वन इन कैलकटा वॉज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स दी टूवर्ड्स फाइन आर्ट्स. तो गवर्नमेंट आर्ट स्कूल कैलकटा का इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1896 ईयर में, जहाँ पे जिसके प्रिंसिपल थे ई बी हैविल. और याद रखिए, पहले ई बी हैविल कहाँ के प्रिंसिपल थे? प्रिंसिपल ऑफ कैलकटा स्कूल ऑफ आर्ट. और इसके बाद ये गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट, ये वो जगह है या ये वो स्कूल है जहाँ पे इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग को परस्यू करना शुरू हुआ था. यहाँ पर बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का जो है वो ओरिजिन हुआ था, गवर्नमेंट आर्ट स्कूल. तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा गवर्नमेंट आर्ट स्कूल कैलकटा एंड कैलकटा आर्ट स्कूल के बीच में. ओके, सिमिलरली लाहौर, बॉम्बे और मद्रास में भी ऐसे ही स्कूल्स जो इस्टेब्लिश हुए थे, लेकिन वो लोग फाइन आर्ट्स पर इतना ध्यान ना दे के मेटल वर्क, फर्नीचर, मतलब बाकी उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे. कैलकटा में जो स्कूल था ये फाइन आर्ट्स, पेंटिंग, स्कल्पचर, इनके ऊपर ये ज़्यादा ध्यान दे रहे थे. हेविल एंड अवनींद्रनाथ टैगोर डिजाइन द करिकुलम टू इंक्लूड एंड एनकरेज टेक्निक एंड थीम्स इन इंडियन आर्ट ट्रेडिशंस. उन्होंने पूरा एक सिलेबस, एक करिकुलम डिज़ाइन किया कि कैसे हम इंडियन आर्ट स्कूल या फिर इंडियन स्टाइल को जो पहले होता था उसको हम लोग कैसे अभी के टाइम में इंक्लूड कर सकते हैं, और उसको मॉडर्निज्म और नेशनलिज्म दोनों स्टाइल्स को इंक्लूड करके हम एक नया इंडियन स्टाइल को डेवलप कर सकते हैं. अवनींद्रनाथ जर्नीज एंड शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल एंड पहाड़ी मिनिएचर्स एंड हिज डिजायर टू क्रिएट एन इंडियन स्टाइल इन पेंटिंग. तो उन्होंने एक अवनींद्रनाथ टैगोर की जर्नीज एंड, जो कि हमारे सिलेबस में है, स्टडी है, आर्ट स्टडी है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जर्नीज एंड, तो वो एक एग्जाम्पल था.
और ये एक हॉलमार्क पेंटिंग मानी जाती है। जर्नीज एंड जो है वो एक हॉलमार्क पेंटिंग मानी जाती है मॉडर्न आर्ट, इंडियन आर्ट, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में। तो इफ़ द क्वेश्चन कम्स नेम द हॉलमार्क पेंटिंग ऑफ द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, सो इट इज़ डेफिनेटली जर्नीज एंड बाय अवनींद्रनाथ टैगोर। ओके, आर्ट हिस्टोरियन पार्था मित्तर राइट्स द फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अवनींद्रनाथ एंगेज्ड इन रिकवरिंग द लॉस्ट लैंग्वेज ऑफ इंडियन आर्ट। लॉस्ट लैंग्वेज ऑफ इंडियन आर्ट का क्या मतलब है? तो पार्था मित्तर एक आर्ट हिस्टोरियन है, वो ये यही कहते हैं कि अवनींद्रनाथ टैगोर जो है उनके फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स है जो कि ये गवर्नमेंट आर्ट स्कूल कैलकटा में पढ़ने आए, इन्होंने वापस से वही हमारी इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो कहीं ना कहीं खो गई थी, जो कि लॉस्ट हो गई थी और जिसके ऊपर हम यूरोपियन रियलिज्म को या एकेडमिक स्टाइल या कंपनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग को परस्यू कर रहे थे, उसको रिकवर करने के लिए वापस से उसको रिफ्रेश करने के ऊपर अवनींद्रनाथ टैगोर ने उसके ऊपर काम किया था। टू क्रिएट अवेयरनेस दैट मॉडर्न इंडियंस कुड बेनिफिट फ्रॉम दिस रिच पास्ट, अवनींद्रनाथ वॉज द मेन आर्टिस्ट एंड क्रिएटर ऑफ एन इम्पोर्टेंट जर्नल, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जर्नल था जिसमें कि ऐसे जो भी पेंटिंग्स जैसे अवनींद्रनाथ टैगोर या फिर उनके स्टूडेंट्स जो पेंटिंग्स बनाते थे उनके ऊपर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, तो वो उस जर्नल में आती थी और उस जर्नल का नाम था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। इन दिस मैनर ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट मेजर सपोर्टर ऑफ स्वदेशी वैल्यूज इन इंडियन आर्ट। देखिए जब हम बात करते हैं फ्रीडम मूवमेंट की, तो ज़रूरी नहीं है कि फ्रीडम मूवमेंट में सिर्फ ब्रिटिशर्स देश छोड़ के जाए वही हमारे लिए फ्रीडम या स्वराज हो गया। ठीक है, इंडियन आर्ट में जो कि जिसमें जहाँ पर यूरोपियन रियलिज्म का या कंपनी स्टाइल या एकेडमिक स्टाइल का कब्जा था, उससे फ्रीडम मिलना भी स्वदेशी मूवमेंट का एक बहुत बड़ा स्टेप था। ओके, क्योंकि ब्रिटिशर्स जब आए तो उन्होंने हमारे हमारी यू नो लैंड टेरिटरी के ऊपर ही कब्जा नहीं किया था, हमारे कल्चर के ऊपर भी उन्होंने कब्जा करा था। तो ये जो स्टेप था जिसमें उन्होंने ये एक स्कूल ऑफ आर्ट शुरू किया, ये इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ये बहुत बड़ा स्टेप था जिसने हमारे स्वदेशी वैल्यूज़ को पुश करा, वो कॉमन लोगों तक स्प्रेड करा। द फर्स्ट मेजर सपोर्टर ऑफ स्वदेशी वैल्यूज इन इंडियन आर्ट विच बेस्ट मैनिफेस्टेड इन द क्रिएशन ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। दिस स्कूल सेट द स्टेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन पेंटिंग। द न्यू डायरेक्शन ओपन्ड बाय अवनींद्रनाथ वॉज फॉलोड बाई मेनी यंग आर्टिस्ट लाइक जितेंद्रनाथ मजूमदार, रासलीला एंड एम आर चुगताई। एम आर चुगताई जी की ये राधिका जो है वो भी हम हमारे सिलेबस में कोर्स स्टडी में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो अवनींद्रनाथ टैगोर ने शुरू की थी उनके देखते देखते ऐसे बहुत सारे और आर्टिस्ट थे, नंदलाल बोस, एम आर चुगताई, जितेंद्रनाथ मजूमदार, ऐसे और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इनको देख कर फिर ऐसी इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग के ऊपर अपना आर्ट वर्क बेस करा, आर्ट वर्क बनाई, जो कि हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप था। शांति निकेतन, अर्ली मॉडर्निज्म। नंदलाल बोस, अ स्टूडेंट ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर, वॉज इन्वाइटेड बाय पोएट एंड फिलोसोफर रविंद्रनाथ टैगोर टू हेड द पेंटिंग डिपार्टमेंट इन द न्यूली इस्टेब्लिश्ड कला भवन। तो एक कला भवन जो था वॉज इंडियाज फर्स्ट नेशनल आर्ट स्कूल। ओके, वो इस्टेब्लिश किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, और उन्होंने नंदलाल बोस को इन्वाइट किया था जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर के एक स्टूडेंट थे। तो उनको उन्होंने इन्वाइट किया कि आप आइए और हमारे यहाँ जो कला भवन खुला है उसके पेंटिंग डिपार्टमेंट को आप हेड कीजिए। अब कला भवन है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ सिर्फ पेंटिंग हो रही है, वहाँ कला से मतलब आर्ट है, बाकी आर्ट वर्क भी हो रहा है। और उस भवन के पेंटिंग डिपार्टमेंट को हेड करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने नंदलाल बोस को इन्वाइट किया था। कला भवन वॉज इंडियाज फर्स्ट नेशनल स्कूल ऑफ आर्ट। इट वॉज पार्ट ऑफ द विश्व भारती यूनिवर्सिटी फाउंडेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर एट शांति निकेतन। ओके, तो शांति निकेतन में जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो रविंद्रनाथ टैगोर ने फाउंड की थी, जो उसके इस्टेब्लिशर थे, वहाँ पे कला भवन उसका एक पार्ट था। तो आप इस चीज़ को समझिए, शांति निकेतन एक जगह का नाम जहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया, और यहाँ पे जो कला भवन था वो विश्व भारती यूनिवर्सिटी का एक पार्ट था। ओके, इट वॉज फर्स्ट नेशनल आर्ट स्कूल, और कला भवन के पेंटिंग डिपार्टमेंट को हेड करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने अवनींद्रनाथ टैगोर के एक स्टूडेंट नंदलाल बोस को बुलाया था। एट कला भवन नंदलाल फाउंडेड द इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक मिलियू टू क्रिएट एन इंडियन स्टाइल इन आर्ट।
By paying attention to the four art forms that he saw around in Shantiniketan, he began to focus on the language of art. He also illustrated primers in Bengali with woodcuts and understood the role of art in teaching new ideas. तो नंदलाल बोस ने अपने आसपास शांति निकेतन में जो ने फोक आर्ट को ऑब्जर्व करा, जो देखा कि जो ट्रेडिशनल आर्ट था, फोक आर्ट था शांति निकेतन में, उसको देखकर और ऑब्जर्व करके उन्होंने ये स्टाइल ऑफ पेंटिंग, इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग में अपनी पेंटिंग्स बनाना शुरू की. और उन्होंने 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 ये चीज़ समझी कि हम पेंटिंग्स के थ्रू काफ़ी सारे नए आइडियाज़ लोगों तक पहुंचा सकते हैं, हमारी नई आइडियोलॉजी स्प्रेड कर सकते हैं. तो पेंटिंग वॉज अ वेरी गुड सोर्स जिससे ये नेशनलिज्म की भावना जो थी या फिर हमारे जो नए मॉडर्न आइडियाज़ थे वो इंडियंस तक पहुँचे. फॉर दिस रीज़न महात्मा गांधी इन्वाइटेड हिम टू पेंट पैनल्स दैट वर पुट ऑन डिस्प्ले एट द कांग्रेस सेशन एट हरिपुरा इन 1937. तो हरिपुरा 1937 में जो हरिपुरा कांग्रेस सेशन हुआ था, वहाँ पे नंदलाल बोस ने अप्रोक्सीमेटली 400 पोस्टर्स जो थे वो पेंट किए थे, और उसको फेमसली हम लोग हरिपुरा पोस्टर्स कहते हैं. एंड दे डिपिक्टेड ऑर्डिनरी रूरल फोक्स बिजी इन वेरियस एक्टिविटीज, अ म्यूजिशियन ड्रमिंग, फार्मर टिलिंग, वुमेन चर्निंग मिल्क एंड सो ऑन. ठीक है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं नंदलाल बोस की झांकी हरिपुरा पोस्टर्स में, कैसे एक म्यूजिशियन है जो ड्रमिंग कर रहा है. तो 1937 में हरिपुरा में कांग्रेस सेशन हुआ था, वहाँ पे नंदलाल बोस को गांधी जी ने इनवाइट किया था. एंड नंदलाल बोस ने करीबन 400 पेंटिंग समथिंग बनाई थी जिन्हें फेमसली हम हरिपुरा पोस्टर्स में कहते हैं. ये वाली जो पेंटिंग है, जो ढाकी है, ये जो है वो अभी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट NGMA मतलब नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में उनकी पोजेशन में है. They were painted as lively, colorful, sketchy figures and shown as contributing their labor to nation building. यानी कहीं ना कहीं इन सभी पेंटिंग्स के थ्रू वो एक ही चीज़ दिखाना या बताना चाह रहे थे कि कैसे हर एक इंसान, चाहे उसका ऑक्यूपेशन कुछ भी हो, चाहे एक म्यूजिशियन ड्रम ही क्यों ना बजा रहा हो, वो भी कैसे नेशन को बिल्ड करने में, उसके डेवलपमेंट में, उसके प्रोग्रेस में, स्वदेशी स्वराज पाने में वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है या दे रहा था. These posters echoed with Gandhi's socialist vision of including marginalized sections of Indian society through art. तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप था, क्योंकि इसके बाद, मॉडर्न आर्ट के बाद जो है, जो पेंटिंग्स थी उन्होंने डेली लाइफ को भी डॉक्यूमेंट करा. उन्होंने कॉमन मैन, कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे वो एक ड्रमर हो, एक म्यूजिशियन हो, उसको भी उन्होंने पेंट करा. जो पहले हम देखते थे कि किंग्स या नोबल्स की लाइफ के ऊपर ही डॉक्यूमेंटेशन या पेंटिंग बनती थी, तो इन पोस्टर्स ने क्या हेल्प करा कि इसने सभी लोगों को, मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस को भी इंडियन सोसाइटी का हिस्सा बताया कि वी आर वन, यूनिटी. उसने, इन पेंटिंग्स ने यूनिटी की एक फीलिंग को बहुत ज़्यादा डेवलप करने में हेल्प किया है. तो ये आप देख सकते हैं कि पेंटिंग्स का कितना सिग्निफिकेंस था, कि कैसे उसने नेशनल मूवमेंट में कितने तरीकों से उसने कॉन्ट्रीब्यूट करा. कला भवन, द इंस्टीट्यूशन वेयर बोस टॉट आर्ट, इंस्पायर्ड मेनी यंग आर्टिस्ट टू कैरी फॉरवर्ड दिस नेशनलिस्ट विजन. इट बिकेम अ ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर मेनी आर्टिस्ट हु टॉट आर्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. के वेंकटप्पा इन साउथ इंडिया बीइंग अ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल. ओके, के वेंकटप्पा भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे, जो कि यहाँ पर स्टूडेंट थे कला भवन के, साउथ इंडिया के. दे वॉन्टेड आर्ट टू रीच आउट टू अ वाइडर पब्लिक रादर देन ओनली द एलीट एंग्लिसाइज्ड क्लास ऑफ पीपल. एलीट यानी जो उस टाइम पे भी नोबल्स, किंग्स, जो बहुत ही रिच एंड वेल्दी मर्चेंट्स, बिजनेसमैन. पहले पेंटिंग्स उन्हीं के लिए थी. हम एक पहले अगर हम देखते जो मिनिएचर पेंटिंग के टाइम का वक्त था, हम ये नहीं देखते थे, बहुत कॉमन नहीं था कि एक कॉमन मैन के घरों में हमें लैविश पेंटिंग्स या वो देखने को मिल रही है. वो ज़्यादातर एलीट्स के घर में देखी जाती थी. एंड एंग्लिसाइज्ड मतलब एंग्लो मीन्स ब्रिटिशर्स, इंग्लिश जो थे उनके. तो सिर्फ एलीट या एंग्लिसाइज्ड लोगों के लिए नहीं था. नाउ पेंटिंग थ्रू दिस मॉडर्न व्यू, ये बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के थ्रू पेंटिंग जो थी वो कॉमन मैन के घरों तक भी पहुँचने लगी. अगेन जामिनी रॉय की मदर एंड चाइल्ड जो हम पढ़ेंगे, वो भी एक इंडियन आर्टिस्ट थे, who after undergoing academic training in the colonial art school rejected it only to adopt. ये question आ सकता है, okay?
training in colonial arts school rejected it to only to adopt the flat and colorful style of folk painting seen in villages. तो जामिनी रॉय ने भले ही से स्टडी आर्ट की जो सीखा वो कॉलोनियल आर्ट स्कूल में सीखा, यू नो यूरोपियन रियलिज्म एंड एकेडमिक स्टाइल वगैरह सीखा, लेकिन उसको रिजेक्ट करके उन्होंने उस कलरफुल स्टाइल फोक स्टाइल को अडॉप्ट करा जो कि हम विलेजेस में देख सकते हैं. ही वॉन्टेड हिज पेंटिंग्स टू बी सिंपल एंड ईजी टू डुप्लीकेट टू रीच अ वाइडर पब्लिक एंड बेस्ड ऑन थीम्स लाइक विमेन एंड चिल्ड्रन स्पेसिफिकली एंड रूरल लाइफ जनरली. तो वो चाहते थे कि विमेन चिल्ड्रन रूरल लाइफ जैसी कॉमन थीम्स जो कि यू नो इतनी कॉमन थी कि पहले आर्टिस्ट ने सोचा ही नहीं कि इन थीम्स के ऊपर पेंटिंग बन सकती थी. तो ऐसी थीम्स के ऊपर जामिनी रॉय यू नो इन सभी नंदलाल बोस इन सभी लोगों ने काम करना शुरू किया. हाउएवर द स्ट्रगल बिटवीन द इंडियन एंड यूरोपियन टेस्ट इन आर्ट कंटिन्यूड एज सीन इन द आर्ट पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश राज. फॉर एग्जाम्पल द प्रोजेक्ट और म्यूरल डेकोरेशन फॉर ल्यूटियंस दिल्ली बिल्डिंग्स वेंट टू स्टूडेंट्स ऑफ बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट ट्रेंड इन रियलिस्टिक स्टडीज बाई इट्स प्रिंसिपल ग्लैड स्टोन सोलोमॉन. ऑन द अदर हैंड द बंगाल स्कूल आर्टिस्ट वर अलाउड टू डेकोरेट द इंडियन हाउस इन लंडन अंडर क्लोज ब्रिटिश सुपरविजन. तो भले ही से उन्होंने ये चीज़ स्टार्ट किया था लेकिन ऐसा नहीं था कि इट वॉज टोटली अनअपोज्ड. ब्रिटिशर्स का अपोजिशन कहीं ना कहीं किसी रूप में हमें देखने को मिला. कैसे देखने को मिला? ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो दिल्ली बिल्डिंग्स जो जिनका कंस्ट्रक्शन हो रहा था वहाँ पे बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट में जिन लोगों ने ये रियलिस्टिक स्टडीज अकेडमिक स्टाइल ऑफ पेंटिंग कंपनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग सीखी है उन्हें बोला कि आप ये दिल्ली बिल्डिंग्स में जाओ और इनको ऐसे डेकोरेट करो. ल्यूटियंस दिल्ली बिल्डिंग्स जो थी आप उनको उस स्टाइल में डेकोरेट करो. और ये बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल थे ग्लैडस्टोन सोलोमन. और दूसरी हाथ पे जो बंगाल स्कूल के आर्टिस्ट थे उनको भेज दिया लंदन में इंडियन हाउस को डेकोरेट करने के लिए और वो भी ब्रिटिश सुपरविजन के अंडर. तो हम ये देख फिर ऐसे देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इस केस में हमें ये देखने को मिला कि दिल्ली में तो कौन सा आर्ट फ्लरिश हो रहा है, यूरोपियन रियलिज्म, एंड वहाँ पर लंदन में हम इंडियन आर्ट का फ्लरिश देख रहे हैं. सो दिस वॉज नॉट वेरी एक्सेप्टेड बाई द इंडियन आर्टिस्ट ऑल्सो, लेकिन फिर भी वो ब्रिटिश पॉलिसी थी उनके अंडर में हम तब थे तो हमें ऑपोजिशन ज़रूर देखने को मिला है. ओके ये भी इम्पोर्टेंट है. पूरा पैराग्राफ यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं. के वेंकटप्पा रामाज मैरिज 1914 प्राइवेट कलेक्शन इंडिया. ये प्राइवेट कलेक्शन में यानी कि जो जिन लोगों को आर्ट पसंद है तो वो ऐसे पेंटिंग्स खरीद लेते हैं, ऑक्शंस वगैरह बिडिंग होती है तो वो प्राइवेट कलेक्शन के अंडर है. पेंटेड बाय के वेंकटप्पा. इट इज़ बेस्ड ऑन द थीम रामाज मैरिज. सो दिस इज राम सीता लक्ष्मण. तो ये उसके मैरिज के ऊपर बेस्ड है. ओके अब पैन एशियनिज्म क्या था. देखिए सबसे पहले पैन एशियनिज्म एंड मॉडर्निज्म में ये समझा देती हूँ कि पैन एशियनिज्म जो था उस टाइम पर हम जानते हैं कि यूरोप की कॉलोनी जो थी यू नो जापान का भी कुछ हिस्सा यूरोप ने कॉलोनाइज कर रखा था. इंडिया पूरा साउथ ईस्ट एशिया तो उसका यूरोप की कॉलोनी थी ही सही. चाइना में ओपियम ट्रेड वगैरह. तो एशिया जो था वो यू नो मैक्सिमम पार्ट्स ऑफ एशिया वो एक ब्रिटिशर्स की या यूरोप की कॉलोनी थी. कहीं फ्रेंच कहीं डच कहीं पोर्चुगीज तो यूरोप की कॉलोनीज थी एशिया. सो पैन एशियनिज्म इज अ फीलिंग जहाँ पे यू नो इट इज़ बेसिकली द कोऑपरेशन ऑफ एशियंस विद ईच अदर जिससे एशिया जो है वो डेवलप हो कलेक्टिवली. ओके सो हुआ क्या था ये उस टाइम भी ये फीलिंग जो थी वो हुई थी. द कॉलोनियल आर्ट पॉलिसी हैड क्रिएटेड अ डिवाइड बिटवीन दोज हु लाइक द यूरोपियन अकेडमिक स्टाइल एंड दोज हु फेवर्ड इंडियन स्टाइल. देखिए ऐसा है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे ना, जैसे हम 1857 के रिवोल्ट की बात करते हैं, तब भी वो रिवोल्ट क्यों फेल हुआ था, क्योंकि ऐसे कुछ सेक्शंस थे इंडिया के जिन्हें लगता था कि ब्रिटिशर्स वर एक्चुअली गुड. व्हाई? क्योंकि ब्रिटिशर्स उस टाइम पे वेस्टर्न स्कूल वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम मॉडर्नाइजेशन ये सारी चीज़ें इंडिया को इंट्रोड्यूस करवा रहे थे यू नो. और हमारे जो जो रिच और एलीट क्लासेस थे स्पेशली जो एजुकेटेड क्लासेस थे उन्हें लगता था कि जैसे ये सती प्रथा जो है या कास्ट सिस्टम जो है ये गलत है और ब्रिटिशर्स इनको हटाने की कोशिश कर रहे थे. तो उस टाइम पे इस वजह से रिच वेल्दी या जो एजुकेटेड था उनको ये लगा था कि ब्रिटिशर्स आर गुड, उसकी वजह से इंडिया डेवलप हो रहा है. और इसलिए 1857 के रिवोल्ट में उनका हाथ नहीं था जिसकी वजह से वो फेल हो गया. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी इंडियंस थे. ज़रूरी नहीं कि हर इंडियन को इंडियन आर्ट ही पसंद आया.
कुछ इंडियंस ऐसा भी सोचते थे कि यूरोपियन एकेडमी स्टाइल जो था वो इंडियन स्टाइल के ऊपर फेवर करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो हमें इंडिया को उस लेवल तक पहुंचाएगा, हमें इंडिया को मॉडर्न बनाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा. ओके, ये ऐसी फीलिंग थी उस टाइम पर इंडियंस के मन में. बट फॉलोइंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, ठीक है, जब बंगाल का ईस्ट और वेस्ट बंगाल में पार्टीशन हुआ था 1905 में, तब ऐसा हुआ था कि नेशनलिज्म की भावना, बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब हम कुछ ऐसा बड़ा होते हुए देख रहे थे, ठीक है, जो जो कि बहुत ही इम्पैक्टफुल था उस टाइम पे. तो 1905 के बाद से और भी ज़्यादा, और स्पेशली 1905 में तो नेशनलिज्म की फीलिंग्स जो थी वो पीक पर थी. और हमें वो कैसे देखने को मिलता है, बहुत तरीकों से, जिसका एक है आर्ट. आर्ट के थ्रू हमें ये बिल्कुल क्लियरली हम देख सकते हैं, जो आर्ट के टॉपिक्स थे, थीम्स थे, स्टाइल्स थे, उसके थ्रू हमें क्लियरली हमें देखने को मिल सकता था कि यार ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ अब एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स जो है वो डेवलप हो रही है. कैसे, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है. आनंद कुमार स्वामी, एन इम्पोर्टेंट आर्ट हिस्टोरियन, रोट अबाउट स्वदेशी इन आर्ट एंड जॉइंड हैंड्स विद जापानीज नेशनलिस्ट काकुजो ओकाकुरा, हु वॉज विजिटिंग रविंद्रनाथ टैगोर इन कैलकटा. ही केम टू इंडिया विथ हिज आइडियाज अबाउट पैन एशियनिज्म, विच ही वॉन्टेड टू यूनाइट इंडिया विथ अदर ईस्टर्न नेशंस एंड फाइट अगेंस्ट वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म. टू जापानीज आर्टिस्ट अकम्पनीड हिम टू कैलकटा, हु वेंट टू शांति निकेतन टू टीच वॉश टेक्निक ऑफ पेंटिंग टू इंडियन स्टूडेंट्स एज एन ऑल्टरनेटिव टू वेस्टर्न ऑयल पेंटिंग. अब आर्ट के थ्रू हमें ये कैसे देखने को मिलता है कि एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स कहीं ना कहीं डेवलप हो रही थी. देखिए, एक जापानीज नेशनलिस्ट थे काकुजो ओकाकुरा, जो कि इंडिया आए थे अपने दो और जापानीज आर्टिस्ट के साथ. वो रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने के लिए कैलकटा आए थे, और उस टाइम पे आनंद कुमार स्वामी जो थे, उन्होंने उन्होंने इस चीज़ के बारे में, उन्होंने काकुजो के साथ हैंड्स मिला लिए, उन्होंने काकुजो के साथ वो मिल गए, उनके साथ एक स्ट्रैटेजी फॉर्म करी, और ये चीज़ उन्होंने उसमें स्वदेशी में भी इस चीज़ के बारे में उन्होंने बताया, ठीक है. और कैसे उन्होंने वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म को फाइट करने का क्या तरीका निकाला, देखिए उन्होंने क्या करा कि हम ये चीज़ देखते हैं कि मॉडर्न स्कूल की जितनी भी हम पेंटिंग्स हम जो पढ़ेंगे, जैसे शिव सती या फिर ये राधिका या फिर जर्नीज एंड रविंद्रनाथ टैगोर, ये जितनी भी पेंटिंग्स हम पढ़ेंगे वो टेम्परा एंड वॉश टेक्निक में. हुआ क्या था, ये जो यूरोपियन अकेडमिक स्टाइल की पेंटिंग थी, पहली बात तो ये रियलिस्टिक पेंटिंग्स थी, राइट. रियलिस्टिक हम पहले वीडियोज में समझ चुके क्या होता है. साथ ही साथ ये इनका मीडियम डिफरेंट था, ये वाटर कलर में ना बनके ये ऑयल कलर्स में, ऑयल पेंट्स में ये बनाई जाती थी. तो ये दो चीज़ें थी जो कि काफ़ी डिफरेंट थी, ऑफकोर्स इंडियन स्टाइल ट्रेडिशनल स्टाइल से भी डिफरेंट थी. तो बंगाल स्कूल के डेवलपमेंट के बाद ये हुआ कि बंगाल स्कूल ने इस वाटर कलर्स को वापस से वो लोग लाइट में लाए, और उसी मीडियम में उन्होंने पेंट करना शुरू किया. एंड सेकेंडली, वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म को आर्ट के थ्रू फाइट करने का उन्होंने क्या तरीका निकाला कि उन्होंने ऑयल पेंटिंग्स को छोड़ के वॉटर कलर में करना शुरू किया. कैसे, एक वॉश टेक्निक के थ्रू. ओके, वाटर कलर में एक वॉश टेक्निक काफ़ी फेमस है, जो कि हमारा पेंटिंग में अभी हमारी वाटर कलर्स ये प्रैक्टिकल का मीडियम है, तो उसमें हम सभी ने सीखी होंगी प्रैक्टिकल्स में, स्टिल लाइफ बनाते वक्त, कंपोजिशन बनाते वक्त वॉश टेक्निक क्या होती है. तो हम जो देखेंगे कि जितनी भी ये टेक्निक्स थी मॉडर्न बंगाल स्कूल की, ये मॉडर्न स्कूल की जो हम पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में भी, स्टडीज़ में भी, ये सभी टेम्परा विथ वॉश टेक्निक है. ओके, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ समझने की कोशिश करना है कि पैन एशियनिज्म की एक फीलिंग आई थी, जिसका मतलब एशियन साथ मिलके यूरोपियंस को एशिया से बाहर निकालना चाहते थे एंड एशिया का डेवलपमेंट करना चाहते थे. एंड इसी चीज़ के लिए काकुजो ओकाकुरा नाम के एक जापानीज नेशनलिस्ट दो और जापानीज आर्टिस्ट के साथ रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने के लिए कैलकटा आए थे, जहाँ पे उनकी मुलाकात आनंद कुमार स्वामी से हुई. आनंद कुमार स्वामी, अगर आपको याद है तो हमने राजपूत स्कूल ऑफ मिनिएचर्स में पढ़ा था कि उन्होंने ये राजपूत पेंटिंग्स जो टर्म है वो आनंद कुमार स्वामी ने कॉइन किया था. तो आनंद कुमार स्वामी ने इस चीज़ का फिर डिक्लेरेशन करा था कि अब से पैन एशियनिज्म की फीलिंग के अंदर और इस सब के अंदर हमने वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म को पेंटिंग्स एंड आर्ट के थ्रू फाइट करने के लिए ऑयल पेंटिंग्स को छोड़ के वापस से टेम्परा एंड वॉश टेक्निक में वाटर कलर से पेंटिंग करेंगे.
If on one hand Pan-Asianism was gaining popularity, ideas about modern Europe art also traveled to India. Hence, the year 1922 may be regarded as a remarkable one when an important exhibition of works by Paul Klee, Kandinsky, and other artists who were part of the Bauhaus school in Germany traveled to Calcutta. ठीक है, तो 1922 का ईयर जो, अब देखिए कलकत्ता में दो सिग्निफिकेंट चीज़ें हो रही है, एक जगह तो काकुजो ओकाकुरा जो जापानीज नेशनलिस्ट है वो भी कलकत्ता आते हैं, जो अपने साथ वापस ये फीलिंग लाते हैं, पैन एशियनिज्म की फीलिंग लाते हैं और फिर वॉश टेक्निक का बढ़ावा देते हैं, टेम्परा विथ वॉश टेक्निक। और दूसरी तरफ 1922 में पॉल क्ली और वेसली केंडिंस्की जो पेंटर्स हैं वो एक्चुअली जो कि बौहाज स्कूल ऑफ जर्मनी, जो बौहाज स्कूल इन जर्मनी है उसके पेंटर्स हैं, वो भी कलकत्ता आते हैं। और वो किस चीज़ के रिप्रेजेंटेटिव बन के आते हैं, जो मॉडर्न यूरोपियन आर्ट है उसके। अगर आप देखेंगे ना कि अगर इसके पहले भी जब मुगल्स के टाइम पे जब हमारा मिनिएचर बनता था, अब उसी उसी टाइम के वक्त अगर आप कंटेम्प्रेरी यूरोपियन आर्ट को कंपेयर करेंगे तो वो पेंटिंग्स काफ़ी रियलिस्टिक थी। हम देख के ऐसा बोल ही नहीं सकते थे कि वो पेंटिंग्स है, देवर सो आइडेंटिकल टू द एक्चुअल फॉर्म। तो वो चीज़ जो थी उस चीज़ को भी काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करा है कि वो रियलिस्टिक इतनी पेंटिंग्स हैं। दीज यूरोपियन आर्टिस्ट हैड रिजेक्टेड अकेडमिक रियलिज्म विच अपील टू द स्वदेशी आर्टिस्ट। दे क्रिएटेड अ मोर एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज ऑफ आर्ट कंसिस्टिंग ऑफ स्क्वेयर सर्कल्स लाइन एंड कलर पैचेस, जिसको हम क्यूबिज्म भी बोलते हैं। तो अब ये हुआ कि जर्मनी के स्कूल से अब ये जो एक नया मॉडर्न यूरोपियन आर्ट लेकर आए थे पॉल क्लियन वेसली केंडिंस्की, ये था इन द फॉर्म ऑफ स्क्वेयर्स सर्कल्स लाइंस एंड कलर पैचेस। तो ये एक अलग ही, जो कि हम आज के टाइम पे बहुत कुछ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी कह सकते हैं, ये एक अलग ही वो लेकर आए थे, अलग ही लैंग्वेज थी इनके आर्ट की, एब्स्ट्रैक्ट टाइम की। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन आर्टिस्ट एंड द पब्लिक हैड अ डायरेक्ट एनकाउंटर विथ मॉडर्न आर्ट ऑफ दिस काइंड। इट इज इन द पेंटिंग्स ऑफ गगनेंद्रनाथ टैगोर, ब्रदर ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर, दैट द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स कैन बी क्लियरली सीन। ही मेड सेवरल पेंटिंग्स यूजिंग क्यूबिस्ट स्टाइल इन विच बिल्डिंग इंटीरियर्स वर क्रिएटेड आउट ऑफ ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। बिसाइड्स ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन मेकिंग कैरिकेचर्स इन विच ही ऑफन मेड फन ऑफ रिच बंगालीज ब्लाइंडली फॉलोइंग द यूरोपियन स्टाइल ऑफ लिविंग। तो अब हम एक नई नई चीज़ देखते हैं, तीन चीज़ें हम यहाँ पर एक साथ होते हुए देख रहे हैं। एक तो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें हम लोग इंडियन स्कूल को वापस, इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, मिनिएचर स्टाइल ऑफ पेंटिंग को, ऑयल पेंटिंग को छोड़ के हम लोग वाटर कलर्स यूज़ कर रहे हैं, वॉश टेक्निक और टेम्परा विथ वॉश टेक्निक को कंबाइन करके यूज़ कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये यूरोपियन रियलिज्म जो है वो कॉलोनी आर्ट स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, कुछ लोग, कुछ इंडियंस उसकी तरफ अट्रैक्टेड हैं यूरोपियन रियलिज्म की तरफ। एंड तीसरी जगह होता है कि 1922 में पॉल क्ली एंड वेसली केंडिंस्की आते हैं इंडिया, बहुत स्कूल जो जर्मनी में है वहाँ से आते हैं और वो एक नया मॉडर्न यूरोपियन आर्ट अपने साथ लेकर आते हैं, जिसको हमें क्यूबिज्म स्टाइल भी कहते हैं, जो कि ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स या स्क्वेयर्स या ऐसे शेप्स में हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो अब हम देखने को हमें मिलती है कि ये तीन नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं 20th सेंचुरी की बिगिनिंग से। अब ये जो है हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉडर्निज्म वेस्टर्न एंड इंडियन। जैसे कि हमने थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ में पहले भी पढ़ा था कि हम मॉडर्निज्म के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, इंडिया में कैसे मॉडर्निज्म का कॉन्सेप्ट आया थ्रू आर्ट, जैसे टेम्परा विथ वॉश टेक्निक, और कैसे वो हुआ, एंड वेस्टर्न जो कॉन्सेप्ट था मॉडर्निज्म का। द डिवाइड बिटवीन एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट एज मेंशन्ड अर्लियर वाज नॉट बेस्ड ऑन रेस। टेक द केस ऑफ द बंगाली इंटेलेक्चुअल बिनॉय सरकार, हु साइटेड विद द एंग्लिसिस्ट एंड कंसिडर्ड मॉडर्निज्म दैट वाज ग्रोइंग इन यूरोप एज ऑथेंटिक इन एन आर्टिकल द फ्यूचरिज्म ऑफ यंग एशिया। फॉर हिम द ओरिएंटल बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट वाज रिग्रेसिव एंड एंटी मॉडर्न। On the other hand, it was E.B. Heaven, an Englishman, who was in favor of return to native art to create a true modern Indian art. It is in this context that we have to view his collaboration with Abanindranath Tagore.
मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जैसे 1857 की रिवोल्ट के टाइम का भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, उसी तरीके से ऐसे कुछ इंडियंस भी थे जिन्हें लगता था कि ये जो यूरोपियन मॉडर्निज्म है, ये जो यूरोपियन आर्ट है, ये मॉडर्न है, और ये जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट जिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग को परस्यू कर रहा है, ये तो हम अपने स्टेप्स पीछे ले रहे हैं, हम पीछे की ओर बढ़ रहे हैं आगे की ओर बढ़ने की बजाय। और इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं बेनोए सरकार, जिसने फ्यूचरिज्म ऑफ यंग एशिया एक आर्टिकल था, उसमें उन्होंने ये स्टेट किया है कि यूरोप का जो आर्ट था, ये रियलिस्टिक एकेडमिक स्टाइल जो था, ये बहुत ऑथेंटिक था एंड ये बहुत ही मॉडर्न था इन कंपैरिजन टू द ओरिएंटल बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि रिग्रेसिव था, एंटी मॉडर्न था, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ ईबी हेविल थे, वो एक इंग्लिशमैन थे, मतलब बेनोई सरकार एक बंगाली होने के बावजूद वो यूरोपियन आर्ट को वो दे रहे थे, और ईबी हेविल एक इंग्लिशमैन ब्रिटिशर होने के बावजूद वो इंडियन आर्ट को रिटर्न करने का बोल रहे थे कि इंडियन आर्ट वॉज गुड, उसको वापस लाओ, उसे हमें वापस से रिवाइव करना है। और उन्होंने इसीलिए अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ कोलैबोरेट करा ताकि इंडियन आर्ट को वापस लाया जाए। अच्छा, इसके पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता देती हूँ, एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट। एंग्लिसिस्ट मतलब द इंग्लिशमैन जो ब्रिटिशर्स के कल्चर को प्रमोट कर रहे थे, और ओरिएंटलिस्ट जो कि इंडियन कल्चर को प्रमोट करते हैं। ओके, अमृता शेरगिल। अब देखिए, हम दो तीन, अमृता शेरगिल, पूर्णा घोष, अवनींद्रनाथ टैगोर, ये कुछ फेमस पेंटर्स हैं, और इनकी बहुत फेमस आर्टवर्क्स हैं भारत माता। अमृता शेरगिल की जो भारत माता है वो काफ़ी फेमस है। ओके, एंड उसी तरीके से, और हमें देखने को मिलेगा कि अगर आप कभी जाकर रिसर्च करेंगे, अमृता शेरगिल की भारत माता एंड अवनींद्रनाथ टैगोर की भारत माता आर सो डिफरेंट, दे टोटली गिव आउट डिफरेंट मीनिंग टू द वर्ड भारत माता। हमारे जो पिक्चर बनी हुई है हमारे मन में भारत माता की, अमृता शेरगिल की भारत माता इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट। ओके, अमृता शेरगिल, हु वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर, इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द मीटिंग ऑफ बोथ दीज पॉइंट्स ऑफ व्यू। शी यूज द काइंड ऑफ स्टाइल दैट द बहाउस एग्जिबिशन शोड टू डिपिक्ट इंडियन सीन्स। मॉडर्न आर्ट इन इंडिया कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म। कॉलोनियलिज्म इंट्रोड्यूस न्यू इंस्टीट्यूशंस ऑफ आर्ट लाइक आर्ट स्कूल्स, एग्जिबिशन गैलरीज, आर्ट मैगजीन्स एंड आर्ट सोसाइटीज। नेशनलिस्ट आर्टिस्ट, वाइल एक्सेप्टिंग दीज चेंजेस, कंटिन्यू टू असर्ट मोर इंडियन टेस्ट इन आर्ट एंड इवन एक्सेप्टेड अ लार्जर एशियन आइडेंटिटी फॉर अ वाइल। दिस लेगेसी वॉज गोइंग टू लीव अ डीप इम्पैक्ट ऑन द लेटर हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट। Therefore, it will keep moving from internationalism, that is, draw ideas from the West, and indigenous, that is, to be true to one's own legacy and tradition. तो हम लोग अमृता शेरगिल के बारे में आगे के चैप्टर में भी पढ़ेंगे, और जैसे कि यहाँ पर हम ये वाला देख सकते हैं, ये अमृता शेरगिल की जो कैमल्स हैं, ये जो पॉल क्ली और वेसली कैंडिंस्की जिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग का प्रचार करने के लिए इंडिया आए थे 1922 में, उसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। थोड़ा सा इसका आर्ट फॉर्म रियलिज्म से भी डिफरेंट है, इंडियन स्टाइल भी नहीं कह सकते, लेकिन ये थीम जो है वो इंडियन है, जो बंजारास वगैरह जो रहते थे वो कैमल्स को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और ऐसा हुआ था कि मॉडर्न आर्ट जो इंडिया में डेवलप हुआ वो बेसिकली कॉलोनियलिज्म और नेशनलिज्म की जो दो फीलिंग्स हैं उसके बीच में फ्रैक्शन की वजह से, उस दोनों के बीच में जो ये फ्रिक्शन था उस वजह से ये काफ़ी डेवलप हुआ, ठीक है। एक तरफ तो कॉलोनियलिज्म में हमें हमें ये नई चीज़ों से इंट्रोड्यूस करा है कि आर्ट मैगजीन्स हैं, गैलरीज हैं, एग्जिबिशंस हैं, इन सब चीज़ों से हमें उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। दूसरी तरफ हम इंडियंस ने क्या करा, इन चीज़ों का यूज़ करके हमारे इंडियन स्टाइल को वापस रिवाइव करा। तो ये एक लेगेसी थी जिसने कॉलोनियलिज्म की वजह से हमें नेशनलिज्म की ये भावना की तरफ और हम बढ़े, और हमें रियलाइज़ हुआ हमारी इंडियन स्टाइल के बारे में भी, और इस लेगेसी ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे हिस्ट्री के ऊपर छोड़ा है, मॉडर्न इंडियन आर्ट के ऊपर। तो ये इंटरनेशनलिज्म, दैट इज़ ड्रॉइंग आइडियाज़ फ्रॉम द वेस्ट, ये जो हम देखते हैं, ये क्यूबिज्म या रियलिज्म, ये जो वेस्ट के जो हम कॉन्सेप्ट्स और स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग देखते हैं वो, और एक इंडिजिनस यानी कि हमारे जो खुद की ट्रेडिशन, हमारा खुद का कल्चर, हमारे खुद की जो स्टाइल है वो। तो इंटरनेशनलिज्म और इंडिजिनस के बीच में कहीं ना कहीं हमारी ये चॉइस, हमारी ये स्टाइल जो है वो शफल होती रहेगी।